हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। सो मैंने वेयर करा है जन्माष्टमी में आज ये आउटफिट। तो ये इंडिगो ब्लाउज है इसका, और यहाँ पे कॉटन की मैंने साड़ी वेयर करी है। तो ये जो साड़ी थी, तो ये मेरी मम्मी ने ऑर्डर करी थी, बट मुझे अच्छी लग गई तो फिर मैंने ले ली। तो ये है मेरी पूरी साड़ी। और यहाँ पे जो है जन्माष्टमी की प्रिपरेशन मैंने जो है 15 to 20 days पहले स्टार्ट कर दी थी। मतलब इतने पहले क्या, 1 month पहले तो मैंने सारी प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। और मैंने सोचा था कि छप्पन भोग बनाऊंगी, ये सब कुछ करेंगे घर पे सेलिब्रेशन। बट घर पे क्या हो गया है कि कोई हमारे रिलेशन में है दूर में, तो उनकी डेथ हो गई है, तो सूतक हो गया है। तो अभी हम लोग जो है कान्हा जी का ये सेवा भाव तो नहीं कर पाएंगे, बट हाँ हमने और लोगों से पता करा तो उन्होंने बोला कि जैसे लड्डू गोपाल जी हम घर पे रखते हैं तो और लोग उनकी सेवा कर सकते हैं। तो जो भी ड्रेसेस वगैरह मैंने उनके लिए ली हुई हैं, तो उनका हम पूरा मतलब श्रृंगार तो करेंगे, बट हम नहीं करेंगे। अभी स्टाफ में जो लोग हैं और जो दी की बेटी है, तो वो लोग कर सकते हैं, तो वही सब लोग यहाँ पे करेंगे। तो आज जो है हमारा सारा सेलिब्रेशन जो है सैलॉन पे ही होगा, और शायद कान्हा जी को भी यही पसंद हो, क्योंकि जो है सैलॉन खुलने के बाद ही पहली जन्माष्टमी पड़ रही है। तो सारा सेलिब्रेशन अभी हम वहीं करेंगे। एंड स्टाफ में जो है कुछ लोग थे जिनके घर पे लड्डू गोपाल जी नहीं थे, तो उनका भी काफ़ी मन था ये सेलिब्रेशन देखने का। तो अभी हो जाएगा कि सब लोग साथ में मिलकर सेलिब्रेशन करेंगे। तो बलून्स वगैरह का डेकोरेशन हम लोगों ने कल ही कर दिया था। तो अभी सारी चीज़ें मैं मार्केट से लेके आ गई थी, बट अभी सारे जो श्रृंगार वगैरह है तो यही सब लोग मिलके करेंगे। तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा जन्माष्टमी का व्लॉग। जो चीज़ हम सोचते हैं तो ज़रूरी नहीं है बट वो हो पाए, बट हाँ जो हम कर सकते हैं तो हम वही चीज़ें करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने वेयर करी है ये आज कॉटन साड़ी, और देखो कितनी प्यारी लग रही है ये। और उसके साथ मैंने यहाँ पे वेयर करे हैं ऑक्सीडाइज झुमके एंड ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। तो बस अभी मॉर्निंग में ही हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे सैलॉन के लिए। तो अभी बज रहा है 9, तो अभी हम जो है श्रृंगार वगैरह कान्हा जी का करके एक बार उन्हें स्नान करा देंगे, और वहाँ पे जो है सब लोग मिलके आज हम लोग उनका सेलिब्रेशन करेंगे। मैं तो बस आज दूर से देख ही पाऊँगी, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगी। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं सैलॉन पे, और देखो कैली भी साथ में आ गई है। दो एम्प्लॉयज़ तो ना मेरे फ्री के हैं, कैली और एक कालू। हमारे पहुंचने से पहले ही जो है ये लोग यहाँ सैलॉन पे आ जाते हैं। और बस अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे अंदर, और बलून्स वगैरह जो है हम लोगों ने कल ही पूरे लगा दिए थे यहाँ पे, बस अभी थोड़े से और हमें लगाने सीढ़ियों पे। और सबसे पहले मैं यहाँ पे कर देती हूँ लाइट्स ऑन, और अभी कैली भी देखो यहाँ पे आके बैठ जाएगी और कालू बाहर पे बैठ जाएगा। तो ये लोग ना मॉर्निंग में आ जाते हैं हमारे साथ। तो यहाँ पे अभी आंटी ने कर दी थी अपनी क्लीनिंग स्टार्ट, और अभी जो है पूजा लोग बाहर पे लगा रहे हैं बलून्स, और गुड़िया यहाँ पे कर रही थी मंदिर क्लीन। तो अभी जो है मैं आज कुछ कर नहीं पाऊँगी भगवान जी वाला काम, तो बस मेरा मन कर रहा है कि मैंने कर लूँ, बट अभी कर नहीं पाएंगे। तो ये है कि मैं दूर से देख ही सकती हूँ और थोड़ा सा मतलब गाइड कर सकती हूँ। तो अभी बस यहाँ पे हमारी क्लीनिंग भी ऑलमोस्ट हो गई थी, और बलून्स वगैरह का काम भी यहाँ पे ख़त्म होने वाला था। मंदिर की पूरी जो यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह चल रही थी। और यहाँ पे हमारे कान्हा जी और राधा जी ने भी पहन ली अपनी नई वाली पोशाक, और इतनी सुंदर लग रही है। तो मतलब ना स्काई ब्लू सी ग्रीन कलर बोलेंगे इसको, तो उस कलर का जो है मैं ड्रेस यहाँ पे लेके आई थी इनके लिए। और इतना प्यारा इसमें जो है एम्ब्रॉयडरी वगैरह है, और क्लीनिंग पे भी हो चुकी है। और यहाँ पे जो है हम लोगों ने पूरी जो है थाली में सजा दी थी कान्हा जी की पोशाक और ज्वेलरी, जो वो आज सब कुछ यहाँ पे पहनेंगे। और सब कुछ जो है मैं नया यहाँ पे उनके लिए लेके आई थी, और अभी हमने यहाँ पे लग दिया है मंदिर पे। तो अभी जो है सबसे पहले हम कराएंगे यहाँ पे कान्हा जी को स्नान, तो उसके बाद ही और चीज़ें होंगी। और यहाँ पे पूरा जो है हमने इनका यहाँ पे छोटी सी एक झांकी भी हमने सजा दी थी, तो झूला रख दिया, सिंहासन रख दिया, और यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया था कान्हा जी का स्नान। तो सबसे पहले हमने उन्हें कराया था गंगा जल से स्नान, फिर हमने उन्हें करा दिया था जल से स्नान। और देखो कितने प्यारे से लग रहे हैं, बिल्कुल फूलों पर रख दिया था। और यहाँ पे जो है पूजा लेके आ गई थी गाय का दूध। तो अभी सारी चीज़ें ना ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टाफ ने ही करी हैं, तो सब लोगों ने जो एक एक चीज़ कर ली थी। पहले एक ने पानी से नहला दिया था, फिर दूध से हमने नहलाया था, देन उसके बाद दही से, और अभी यहाँ पे चल रहा है शहद से इनका स्नान। तो अभी इसके बाद जो है हम कराएंगे कान्हा जी को चंदन से पूरा स्नान। तो पूरी बॉडी में जो है हमने इनका लगा दिया था चंदन, और पूरा इनको स्नान करा दिया था। और अभी लास्ट में जो है हमने करा दिया था इनको पानी से स्नान, और देखो पूरा इनका स्नान तो हो चुका है पंचामित्र से। और अभी देखो कितने खुश हैं, और अभी बस अब इनको कर देंगे हम यहाँ पे कान्हा जी का पूरा श्रृंगार, और उन्हें रेडी करके बैठा देंगे सिंहासन पे। तो कान्हा जी यहाँ पे हो गए थे रेडी, और उन्हें पोशाक भी पहना दी थी, और हमने यहाँ पे इत्र सेवा भी कर दी थी, और यहाँ पे मम्मी लोग भी आ गए थे। तो बस अभी होगी मंगला आरती। वैसे तो मंगला आरती सुबह मॉर्निंग में ही हो जाती है, बट अभी हमारा सेलिब्रेशन का ना पूरा चेंज हो गया है, तो फिर अभी हमने स्नान के बाद ही करी थी यहाँ पे आरती।
तो यहाँ पे चल रही थी अभी आरती, और सबने जो है एक एक करके आरती यहाँ पे कर ली थी। और इतने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी, छोटी सी झांकी सजाई है बट वो इतनी प्यारी लग रही है, इतनी ग्रेसफुल लग रही है। और यहाँ पे जो है 56 भोग तो पॉसिबल नहीं हो पाए, बट हाँ देखो फिर भी इतने सारे भोग जो है कान्हा जी के लिए हो गए हैं। तो यहाँ पे खीर और पूरी जो है पूजा लेके आ गई थी, तो ऐसे ही ना स्टाफ में सब लोग जो है कुछ ना कुछ भोग में ले आए थे। यहाँ पे लग चुका है लड्डू गोपाल जी को भोग, और देखो उन्होंने माखन भी खा लिया और पूरा ना उनके फेस पे ऐसे लगा हुआ है, इतने प्यारे से लग रहे हैं। तो अभी इसके बाद हम लोग इन्हें बैठाएंगे झूले पे। तो अभी हमने जो है लड्डू जी की यहाँ पे पूरी जो है पोशाक चेंज कर दी थी, क्योंकि जो ये ब्लू वाली है तो ये काफ़ी ऐसे घेर वाली है और झूले पे आ नहीं पाएगी, तो इसलिए हमने इन्हें पहना दी थी एक छोटी सी पोशाक। तो यहाँ पे अभी इनको जो है झूले पे झुला दिया था, और पूरे हम लोग यहाँ पे ऐसे फूलों की पूरी बरसात कर रहे थे। तो अभी सब ने एक एक करके जो है यहाँ पे इन्हें झुलाया था। तो यहाँ पे कान्हा जी को झूला झुलाने के बाद हम सब ने यहाँ पे जो है लगा दिए थे अच्छे अच्छे से गाने, बिल्कुल डांस वाले कान्हा जी के भजन। और यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने डांस करना, जन्माष्टमी है, सेलिब्रेशन है, तो डांस करना तो बनता ही है। और कान्हा जी को भी ना बहुत पसंद है, जैसे गोपियाँ उनके लिए डांस किया करती थी, तो वैसे ही हम सब लोगों ने जो है यहाँ पे बहुत मज़े करे और साथ में डांस किया, पूरा ग्रुप डांस। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था ऐसी सेलिब्रेशन करने में। कल जब मुझे पता चला था कि हम लोग जो है घर पे जन्माष्टमी सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, तो ना मेरा मतलब काफ़ी टाइम तक मूड ऑफ हो गया था, और रात को भी ना मुझे वही सपने आने में लगे थे कि मैं सेलिब्रेशन नहीं कर पाऊँगी ये सब। बट जब हम लोगों ने जो है गुरुजी से पता करा, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम लड्डू गोपाल जी की सेवा किसी और को दे सकते हैं जन्माष्टमी के लिए, तो वही जो है सब उनकी सेवा भाव यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी जो है सब लोगों ने इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया, तो मतलब ना पता ही नहीं चल रहा कि हाँ घर में सेलिब्रेट किया या इधर पे किया। और शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है, फर्स्ट टाइम जन्माष्टमी हमारी थी सैलून ओपन होने के बाद, तो यहाँ पे जो है काफ़ी मज़ा आया। और अभी जैसे स्टाफ में है तो उनके घर पे भी लड्डू गोपाल जी नहीं है, तो फिर उनको भी मिल गया कि हाँ जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने को, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। और आप देख सकते हैं कि हम लोग कितने खुश लग रहे हैं सबके सब। तो सब लोग मतलब जब साथ में होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं ना, तो सेलिब्रेशन का मज़ा ही अलग होता है। घर पे अगर हम लोग सेलिब्रेट करते तो रात के टाइम पे कान्हा जी का जन्म कराते, कीर्तन भजन करते, और उस टाइम पे सब डांस वगैरह करते, तो पूरा मतलब सेलिब्रेशन का जो हमारा प्रोसेस था वो तो हमारा पूरा चेंज हो गया। बट हाँ ये भी काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा आया सेलिब्रेशन में, और बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हाँ हमारा ये चीज़ नहीं हो पाई। तो ठीक है, कान्हा जी को जो पसंद है तो बस वही होगा, बस ये कि हमारे भाव जो होते हैं भक्ति के वो सच्चे होने चाहिए, बाकी तो मतलब सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता कि जैसा हम सोचे एज इट इज़ वैसा हो ही जाए। बट हाँ जो इतने टाइम से प्रिपरेशन करी थी, और मतलब कितने टाइम तक मैं मार्केट गई थी शॉपिंग करने को, और हम लोगों को ना ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग करने की आदत हो गई है, तो जब हम ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो अब वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल लगता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब सब कुछ देखना पड़ता है। ऑनलाइन बैठे बैठे हम लोग जो चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं, बट सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती ऑनलाइन, जो कि हमें ऑफलाइन ईजीली मिल जाती हैं। सो अभी हो चुका है यहाँ पे इवनिंग टाइम, और अभी आ गई है मेरी फ्रेंड कनिका मैम, देखिए आपको, और से हाय टू माय यूट्यूब फैमिली। और यहाँ पे जो है हम लोगों ने मॉर्निंग में पूरा सेलिब्रेशन कर लिया था, कान्हा जी का पूरा श्रृंगार कर लिया था, पूजा कर ली थी, तो अभी हम लोग करने वाले उनका बर्थडे सेलिब्रेशन। तो अभी बस केक आने ही वाला है और हम लोग वेट कर रहे हैं। और आप बताइए, आपने कर लिया था अपने कान्हा जी का श्रृंगार? देखो दोबारा से सर्विस कर लिया, शर्मीली लड़की। तो अभी कर लिए यहाँ पे कान्हा जी की पोशाक चेंज। तो अभी पोशाक आज मैंने जो दोनों जो पहनाई थी मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, तो ये ऑर्डर करी थी मैंने यहाँ पे लखनऊ से, तो ये स्टिच करवाई है स्पेशली मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। और ये कितनी बार भी आप वॉश कर लो, सेम एज इट इज़ ऐसे ही रहती हैं। और मार्केट से मैंने जो भी यहाँ पर ली थी, तो वो ना एक बार यूज़ करने में ही ख़राब हो जाती हैं,
और यहाँ पे भी आ गया था हमारे लड्डू जी का केक, और इतना प्यारा सा केक इनका यहाँ पे आया है, तो बस अब हम करेंगे यहाँ पे इनकी केक कटिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अभी यहाँ पे हो गई थी केक कटिंग, और सबने जो है एक एक करके कान्हा जी को यहाँ पे खिला दिया था केक। और जब से केक आया है ना, कैली बिल्कुल बार बार चढ़ जा रही थी केक की खुशबू सूंघ के। तो केक कट करने के बाद सबसे पहले हमने इसी को यहाँ पे जो है कान्हा जी का केक खिलाया। हमेशा ऐसी करती है, जब घर पर भोग लगाओ कान्हा जी के दूध का तो फटाफट से सारा दूध पी जाती है, अगर थोड़ा भी इधर उधर ना देखो। और यहाँ पर ना केक भी सबसे पहले इसी ने यहाँ पर खाया। तो बस अभी हमारा हो गया था सेलिब्रेशन, और अभी कान्हा जी को हम ले जा रहे हैं दोबारा से घर। तो बस हो गया हमारा आज का सेलिब्रेशन कंप्लीट। तो यही था हमारा आज का सेलिब्रेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइज। और देखो कैली हमारे साथ ही जा रही है अब यहाँ पे घर।